नमस्कार, जय जोहर फंगवारी हो। तो हम लोग कोरबा गोल्डन आइलैंड घूमने गए थे, तो वापस आ रहे हैं वहीं से। तो कुछ समय बचा हुआ, 4 बज रहा है लगभग, तो रामगढ़ पहाड़ी भी चढ़ते जाएंगे, तो वापस आ रहे हैं। और मंकी सब रोड किनारे बैठे हुए हैं, देख सकते हो। तो रामगढ़ हम लोग पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों, जा कर के दिखाएँगे आप लोगों को रामगढ़ का नज़ारा। देख सकते हो पहुंच गए हम लोग। भाई लोग आराम कर रहे हैं, काफ़ी थका देने वाली सीढ़ियाँ हैं। तो राजेश ब्रो नहीं आ रहा है, गाड़ी के पास ही रुका हुआ है, और सभी ब्रो लोग आ रहे हैं। तो चढ़ते हैं वापस ऊपर की तरफ, ये देखिए। और पहुंच गए ऊपर हम लोग, मंकी सब बैठे हुए हैं, डरा भी रहा है हम लोगों को। देख सकते हो काफ़ी चहल पहल कर रहे हैं मंकी, काफ़ी मात्रा में हैं, इधर उधर फैले हुए हैं। तो हम लोग जोगी मारा गुफा की तरफ जा रहे हैं, फोनू ब्रो लोग आगे आगे हैं, और भाई लोग पीछे हैं, जियो लोग। तो मंकी भी रास्ते में ही बैठा हुआ है, डरा भी रहा है। और काफ़ी खुफनुमा मौसम, शाम का समय, गुलाबी ठंड लग रही है। और काफ़ी इंजॉय किया हम लोग कोरबा गोल्डन आइलैंड में। देख सकते हो मंकी सब डरा रहे हैं, ये देखिए बजरंगबली। और रास्ता भी रोक लेते हैं हम लोगों का आते समय, पाउच का पैकेट देख करके। और पहुंच गए हम लोग कुआं के पास, जोगी मारा गुफा के पास। तो अंदर में चंदन का मिट्टी निकलता है, तो भाई लोग अंदर घुसे हुए हैं। और हम लोग पानी पीने के लिए रुक गए थे बाहर में, तो भाई लोग ये निकल रहे हैं। भाई लोग देख सकते हो कोई नहीं है अंदर में, अभी मेला के समय रहते हैं, रामनवमी के समय। तो समृद्ध ब्रो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वीडियो बना रहे हैं, देख सकते हो। और फोन ब्रो हैं। अंदर में काफ़ी ठंड लगता है चंदन मिट्टी की वजह से। और ऊपर में एक मंकी है, हम लोगों को देख रहा है। और भाई लोग पानी उनी पी रहे हैं, तो हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। और ऊपर तो ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हो। मौसम भी थोड़ा ख़राब था, तो धुंधला धुंधला नज़र आ रहा होगा, ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। इसी रास्ते से वापस आएंगे हम लोग अब मंदिर की तरफ। तो यहाँ से काफ़ी दूर नज़ारा दिखता है, पर मौसम साफ नहीं है, तो धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा। झील दिख रहा है, तालाब उलाब, छोटे छोटे घर दिख रहा है, काफ़ी ऊंचाई में है रामगढ़। तो और राम वन गमन पथ के माध्यम से रोड को काफ़ी नवीनीकरण कर दिया है, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है आते समय भी। गाड़ी सीधा ऊपर तक आ जाती है बिना परेशानी के। तो भाई लोग भी फूट कर रहे हैं मोबाइल से, जियो भाई लोग, देख सकते हो। और शाम का समय है, तो ज़्यादा समय भी नहीं बचा है हम लोगों के पास, घर भी जाना है, तो इसलिए अब वापस जाते हैं घर। ठीक है दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा।